नमस्कार, 15 अक्टूबर 2000 कलाम सर की एक वेबसाइट बनकर रेडी होती है जिसे इंफोसिस के चेयरमैन एनआर नारायण मूर्ति पब्लिश करते हैं। तो जो कलाम सर के साथी होते हैं वे इनसे कहते हैं कि सर आप ऐसा कीजिए कि जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आप पूछना चाहते हैं लोगों से, आप अपनी इस वेबसाइट पर पोस्ट कीजिए। तो कलाम सर कहते हैं ठीक है, मेरे पास 3 सवाल हैं जिसे मैं डालना चाहूंगा और मैं चाहता हूं जो इसके जवाब है ना वो हमारी आज की जो न्यू यूथ है, जो आज की हमारी जो न्यू जनरेशन है वो दें। तो पहला सवाल कलाम सर लिखते हैं कि अभी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, तो एज अ यंग बॉय एंड अ गर्ल आप इसे कैसे एक डेवलप कंट्री में बदल पाएंगे। दूसरा सवाल कलाम सर लिखते हैं कि मैं इंडिया का गाना कब गा सकता हूं। और तीसरा सवाल वे लिखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हम बाहर की चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं, बजाय वही चीज हमारी कंट्री में भी है लेकिन हम बाहर की चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि जहां बाहर की कंट्री अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हैं वहां हम अपनी सक्सेस को उतना एंजॉय नहीं कर पाते। तो जब ये सवाल कलाम सर ने डाले तो कुछ ही समय में कई हजारों आंसर्स आए इंडिया के कोने कोने से। उन्हीं में से कलाम सर ने कुछ आंसर चुने और अपने इस बुक इग्नाइटेड माइंड के 7 पार्ट में इसे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए मैं आपको वो आंसर सुनाता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब आए हैं। जैसे कि एक पहला आंसर एक चंडीगढ़ से एक लड़का लिखता है, वे कहता है कलाम सर से कि सर मैं ना एक टीचर बनना चाहता हूँ क्योंकि वो प्रोफेशन मुझे पसंद है, मुझे मजा आता है और मेरा ये मानना है कि अपने देश की सेवा करने का ये एक सर्वोत्तम तरीके में से एक है। तो वही एक पौंडचेरी से एक लड़की लिखती है कि जैसे कि एक फूल से माला नहीं बनती है, मैं लोगों के मन की एकता को जोड़ने का काम करूंगी क्योंकि भारत को विकसित देश बनाने के लिए ना हमें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। तो वही एक ये लड़का एक और लिखता है, वे कहता है कि जिस दिन इंडिया केपेबल हो जाएगा बाकी दूसरी कंट्रियों पर सैंक्शन लगाने में, मैं उस दिन इंडिया का गाना गाऊंगा। अब ये पता नहीं कि ये सपना उसका जीते जी पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, नहीं तो उसे ऊपर से ही गाना गाना पड़ेगा। आशा करता हूं कि ये उस बंदे का सपना जल्दी पूरा हो। पता है जो ये वाला आंसर है ना, ये लगभग 30% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि अगर आज के युवा चाहें तो इस कंट्री को ना बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं क्योंकि उनमें वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है, वो पावर है, अगर वो चाहे ना तो एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। पता है इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी काम अभी कर रहे हैं ना उसे पूरे मन से कीजिए, पूरे दिल से कीजिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो ये कंट्री अपने आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगी। और जीवन में ना बड़े सपने देखिए, बड़े लक्ष्य रखिए क्योंकि आप में से ही कोई एक दिन कलाम निकलेगा, आप में से ही कोई एक दिन इस देश का नेतृत्व करेगा। और पता है मुझे क्या फील होता है कि यार जिस देश में इतने महान महान लोग हुए हैं, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, अगर मैं नाम लू ना तो शाम हो जाएगी लेते लेते, ऑलरेडी हो चुकी है ये वीडियो बनाते बनाते। तो यार जिस कंट्री ने इतने महान महान लोगों को जन्म दिया है यार, वो कंट्री पीछे कैसे रह सकती है। नहीं, आज नहीं तो कल ना इस कंट्री को दोबारा ऊपर जाना होगा, वही पहले की तरह यू नो सोने की चिड़िया, वही पहले की तरह यू नो वो विश्व गुरु जो दुनिया को रास्ता दिखाता था। और ये मेरा मन कहता है कि ये एक दिन डेफिनेटली पॉसिबल जरूर होगा, शायद तब तक मैं ना रहूं, शायद तब तक आप ना रहें, लेकिन ये एक दिन पॉसिबल जरूर होगा। और अगर इस कंट्री को कोई ऊपर ले जा सकता है ना तो वो हम ही है, वो आप है, वो मैं हूं, इस सोच के साथ हमें काम करना होगा। तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है, होप आपको अच्छी लगी होगी। तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।